आखिर बाहर के देशों में ये स्कूल की चीजें कैसी दिखती हैं? और भैया ये कौन सा जानवर है जो कभी बीमार नहीं होता? और दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां सब लोग सोते रहते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 30 डेज चैलेंज डे 11 नंबर 6। अब भैया आपने पूरी दुनिया में कई तरह के सड़क देखे होंगे, लेकिन इस सड़क को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। दरअसल ये सड़क हमारे भारत देश में है, जो कि तमिलनाडु में है, जिसका नाम कोली हिल्स है। और भैया ये पूरे भारत की सबसे खतरनाक सड़क है, क्योंकि इस पर 70 से भी ज्यादा मोड़ हैं। अरे यार ये सड़क कम साफ ज्यादा दिख रहा है। नंबर 5। भैया अगर कोई पानी में डूब रहा है तो आप उसे बचाओगे ना? लेकिन इसी का उल्टा चाइना में होता है। दरअसल चाइना में किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है। अरे यार ये कैसा रूल है, इससे अच्छा तो अपना इंडिया है। तो सुनो, चाइना में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है वो उसके भाग्य में लिखा होता है और उस भाग्य को बदला नहीं जा सकता। भैया इसी मान्यता के वजह से चाइना में अजीब सा रूल है। नंबर 4। आपने कभी सोचा पानी की बोतल्स पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखा होता है? तो सुनो भैया, किसी भी पानी की बोतल में लिखी हुई एक्सपायरी डेट पानी के खराब होने की नहीं होती, बल्कि उस बोतल के खराब होने की होती है। नंबर 3। ये है भैया एक ऐसा गाँव जहाँ चाहे दिन हो या रात, सब आपको सोते हुए ही नजर आएंगे। मतलब क्या सच में ऐसा गाँव है? हाँ भैया है। सुनो, दरअसल कजाकिस्तान में कलाची गाँव है, जहाँ पर लोग आपको अक्सर सोते हुए ही नजर आएंगे। मतलब भैया क्या ये लोग ज्यादा काम करते हैं? वेल ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल उस गांव में यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलने के कारण ऐसा होता है। नंबर 2। भैया दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बीमार नहीं पड़ता हो, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी, दुनिया में एकमात्र शार्क ही ऐसा जानवर है जो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। अब तो भैया ये शार्क नहीं डॉक्टर होगा। दरअसल शार्क का शरीर बहुत मजबूत होता है और ये कई तरह की बीमारियों से लड़ सकता है और इन्हें कैंसर भी नहीं होता। कमाल की बात है भैया। नंबर 1। यार ये बातें तो सच है, डिफरेंट कंट्रीज में स्कूल लाइफ, एजुकेशन, यहाँ तक स्कूल्स और डिसिप्लिन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उसी के साथ बच्चों के स्कूल प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको पेपर होल्ड करने वाले ये पिंस तो पता ही होंगे, इंडिया में ये नॉर्मली होते हैं, लेकिन भैया जापान में ये थोड़ी फैंसी होती है। जैसे कि ये इस टोटोई शेप को ही देख लो, ऐसे ही और भी अलग अलग शेप्स की पिंस वहाँ पर लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को फैंसी चीजें पसंद है। और भैया अगर इस गरीब की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो।